राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट हम लोगों को ऐसा लगता था कि ये भारत की संस्कृति हमारी आस्था से जुड़ी बात है लूटने की बात भगवान राम के जो पर्याय हैं उनकी थी भगवान राम मर्यादा का नाम है भगवान राम न्याय का नाम है नैतिकता का नाम है धर्म का नाम है प्रेम का नाम है हम लोगों को लगता था बचपन से आज तक सुना कि राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट उनके मूल्यों को लूटने की बात थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि ये चंदा चोरी अपनी तिजोरी भरने जमीनों की धांधली करने और राम के नाम पर जितना लोगों को लूट सकते हैं उस लूट का नाम है साच को आंच नहीं है और आज भाजपा को भी मानना पड़ रहा है कि उनके नेता उनके विधायक उनके महापौर उनके अधिकारी अयोध्या में बड़ी तादाद में बड़े पैमाने पर घोर घोटाले में जमीन के घोर घोटाले में संलिप्त हैं इसी मंच से जून 2021 से लगातार हम इस मामले को उठा रहे हैं कि अयोध्या में जमीन के बड़ा घोटाला चल रहा है राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के पास जो चंदे का पैसा आया है उस चंदे की चोरी हो रही है और यह काम करने वाले कोई भूमि माफिया नहीं है जो भाजपा के नेता भूमाफिया बन गए अयोध्या में वो हैं और थक हार कर उत्तर प्रदेश की सरकार के अंतर्गत आने वाले अयोध्या विकास प्राधिकरण को भी मानना पड़ा यह बात चालीस लोगों की एक सूची जारी करी गई है जो कि जमीन घोटाले में संलिप्त है अयोध्या में और इस चालीस लोगों में भाजपा के अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी पूर्व विधायक गोरखनाथ जी के नाम शामिल है वो सूची हम आपके साथ साझा कर लेंगे उस सूची में तमाम अधिकारी हैं ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहां जमीन होने से क्योंकि ये लूट भाजपा के नेताओं ने मचाई भाजपा के सांसदों ने मचाई विधायकों ने मचाई और इस लूट का लूट खसोट अधिकारियों तक ने करी जिन राजस्व अधिकारियों को प्रमाण देना उन जमीनों पर उन्होंने भी वहां पर बड़ा घोटाला किया घोटाले के मुख्य रूप से तीन बिंदु हैं और तीन बिंदु हैं चंदा चोरी आपने कौड़ियों के नाम से दाम से जमीन ली और बड़े दाम पर ट्रस्ट को बेची इसमें ट्रस्ट के लोग भी सलग रहे तो चंदा चोरी पहला मामला है दूसरा मामला है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने तो सिर्फ सत्ता सत्तर, सत्तर एकड़ जमीन अधिग्रहण किया है उसके आसपास की जमीनों को सस्ते दामों पर उन लोगों ने खरीदा जिनको इस पूरे ब्लू के बारे में पता था वो सारे के सारे भाजपा नेता है जिनके कुछ नाम आपको मैंने बताए साझा किए वो एमएलएज हैं वो महापौर हैं वो अधिकारी हैं वो पूर्व विधायक हैं कुछ पूर्व सांसद हैं और यही नहीं और तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि ये जमीन दलितों की हड़पी गई जिस जमीन को आप खरीद नहीं सकते थे जो न्यायालय में मामला चल रहा है वो जमीनें तक खरपी गई महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट की जो बेची हुई जमीनें थी वो तो अभी जांच के दायरे में है और ये जमीनें अधिकारियों के रिश्तेदारों ने खरीदी हैं तो चंदा चोरी मुनाफा खोरी और दलितों की जमीन के साथ और ये आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है ये आरोप लगातार समूचा विपक्ष उठा रहा है लेकिन इन आरोपों को लगातार संत समाज भी उठा रहा है जिसकी आज अवमानना हो रही है जिसकी आज अनदेखी हो रही है अगस्त 2021 में आपकी जानकारी के लिए अयोध्या के महंत ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों भाजपा के विधायक महापौर के भतीजे और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सरकारी जमीन की धोखाधड़ी में की खरीद फरोख की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करी अयोध्या जो भी व्यक्ति गया है वो जानता है कि हनुमान गढ़ी जाए बिना दर्शन पूरा नहीं होता हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास जी का कहना है कि मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित धन का दुरुपयोग और धोखा जो किया गया ट्रस्ट के लोगों ने उसमें चंपत राय जी थे अनिल मिश्रा जी जैसे लोग थे उन्होंने तमामों आरोप और शिकायत दर्ज करिए महापौर के खिलाफ भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के खिलाफ भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के खिलाफ अयोध्या प्राधिकरण जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है उसने मुख्य रूप से बड़ी बातें कही हैं उनका कहना है कि अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी के भतीजे तरुण मित्तल जी ने सवा करोड़ की जमीन खरीदी उनका यह भी कहना है कि उन्हीं तरुण मित्तल जी ने वेद प्रकाश गुप्ता जी जो एम साहब हैं उनके भतीजे ने एक और चार करोड़ की जमीन खरीदी चौदह वर्ग की उनका आगे कहना है कि ऋषिकेश उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दो महीने पहले 18 सितंबर 2019 को 30 लाख रुपए में एक भूमि खरीदी और बाकी सारी चीजें तो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल ही हैं। आपको याद ही होगा कि कैसे राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय जी के उस ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा जी उस ट्रस्ट के सदस्य महापौर भाजपा के नेता ऋषिकेश उपाध्याय जी की मिली भगत से दो करोड़ की जमीन दस मिनट के अंदर साढ़े अठारह करोड़ की राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेची गई आपको यह भी ज्ञात होगा कि रिश... ऋषिकेश उपाध्याय जी के भतीजे जो भाजपा के आईटी सेल के नेता भी हैं दीप नारायण उपाध्याय ने 20 लाख की जमीन को ढाई करोड़ में बेचा दीप नारायण उपाध्याय जी ने तो गिफ्ट में मिली हुई डीट को गिफ्ट डीट से मिली हुई जमीन को भी नाप दिया टिका दिया मंदिर ट्रस्ट को तो आज सवाल एक बहुत बड़ा है अगर ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है अगर ये चंदा चोरी नहीं है अगर यह मुनाफा खोरी नहीं है अगर यह भगवान राम के नाम पर होने वाली लूट नहीं है तो वो लूट क्या है हम लगातार जांच की बात कर रहे थे और विडंबना देखिए जांच कौन करेगा जांच करेगा एक लो लेवल का ऑफिसर उत्तर प्रदेश की सरकार में वो ऑफिसर जिसके रिश्तेदारों ने जमीन वहां खरीदी हुई है हमारे कुछ सवाल हैं और सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान राम के नाम पर अगर ये लूटेंगे जनता को आस्था को चोट पहुंचाएंगे तो ये देश चुप नहीं रहेगा आज ये देश मोदी जी से पूछता है आप मौन क्यों है आज ये देश अमित शाह जी से पूछता है कहां है आप क्यों नहीं आप एक बयान देते हैं क्यों नहीं आप इसकी निंदा करते हैं क्यों नहीं आप भर्सना करते क्यों आप नहीं निकाल फेंकते उन लोगों को जो इसमें संलग्न है जिनका नाम अब अयोध्या का विकास प्राधिकरण दे रहा है विपक्ष ने तो लगातार आपको नाम दिया आपके कानों पर जू नहीं रहेंगी क्यों मौन है आप और क्या सजा होगी इन चंदा चोरों की इस देश के व्यक्ति हर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य अनुसार जिसकी रामचंद्र में आस्था थी अपने सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई चंदा दिया और उस चंदे की चोरी कर रही है भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता मिलकर उनकी क्या सजा होगी उन लोगों की क्या सजा होगी जो इन डाकुओं के बचाव में पिछले जून से लगातार मैदान में उतरे हुए थे उसमें से आपके मंत्री थे आपके नेता थे आपके प्रवक्तागढ़ थे क्या होगी उनकी सजा क्या अभी भी ये जांच लोकल अधिकारी ही करते रहेंगे या आप इसको एक स्पेशलाइज सेल को दीजिएगा जांच करने के लिए क्योंकि अब मामला साफ है एक डीएम कितने हद तक जांच कर सकता है एक विधायक महापौर सांसदों के खिलाफ सर्वविदित है और अंत में हम इस मंच से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिसके तत्वावधान में यह पंद्रह सदस्यीय ट्रस्ट का गठन हुआ था जिसके आदेश के अनुसार सरकार ने गठन किया था इस पंद्रह सदस्यीय ट्रस्ट का वो इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और रामचंद्र जी के नाम पर होने वाली इस लूट को इस घोटाले को इस मुनाफाखोरी को इस चंदा चोरी को तुरंत बंद करे लेकिन हां क्योंकि भगवान राम नैतिकता का सवाल है मर्यादा का सवाल है तो आज मर्यादा और नैतिकता मोदी सरकार की तार तार हो चुकी है आज उनसे सवाल पूछना पड़ेगा कि जब यह सूची आई है जिसमें आपके लोग शामिल हैं कोई वक्तव्य दीजिएगा कोई बात बोलिएगा श्री राम का हवाला आज तो दीजिए गरीब दरिद्र नारायण के मुंह से निवाला छीनने वालों भगवान राम के पीछे छुपते हो आज जब भगवान राम के नाम पर लूट हो रही है तो किस खो में घुसकर बैठे हो यह पूरा देश जानना चाहता है आई विल वेरी ब्रीफली मेक अ स्टेटमेंट इन इंग्लिश दिस इज अबाउट द ह्यूज प्रॉपर्टी स्कैम दैट्स हैपनिंग इन अयोध्या इट इज नॉट जस्ट आस एंड वी हैव बीन सेइंग दिस फ्रॉम डे वन सिंस जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वन थिंग्स केम टू लाइट That there should be a thorough probe into how the land scam is happening in Ayodhya. But now the Ayodhya Development Authority has put out a list of 40 people who have been involved with land scam in the building of the Ram temple. And prominent amongst those are names of the Ayodhya MLA, Ved Prakash Gupta of the BJP, of the BJP Mayor, Rishikesh Upadhyay, of ex uh, MLA, Gorakhnath, multiple officers. In the UP government, whose relatives have bought land, and you all know what this is about because there are only three big points of this entire land scam. The first is people had donated, keeping faith in mind. When you play around with donation, the first is you're scamming donations done in the Name of Lord Ram. The second, of course, is that the Mandir Trust, the Temple Trust has only acquired 70 acres of land. Who knows these blueprints? Why are BJP leaders acquiring more land at low cost and then selling it at steeply high prices to the Temple Trust with the cognizance, with the approval, with the signatures of members of the Temple Trust? Champat Rai, Anil Mishra, Rishikesh Upadhyay. Dalit land cannot be bought and sold. Under some provisions. That issue is still in court. You've bought land, you've sold it. And we are not the only ones who are raising this issue. The saints, the people involved with the temple, are raising these issues. Whether it is the Hanuman Gadi temple Mahant Dharmadas, who has made some serious allegations of fraud, uh, fraud and fraudulent practices and a huge property scam that's on in Ayodhya. The reality is that relatives of Rishikesh Upadhyay, relatives of uh, Ved Prakash Gupta, the MLA, relatives of multiple officials of the UP government have been involved in this land scam. And the only probe that's happening is that at the DM level. How can the DM probe the MLA, the ex MLA, the ministers in the UP government? It is important to remind you. How land worth 2 crore was sold for 18 and a half crore, and which is why the question arises why is Mr. Modi and, of course, his super prime minister, Mr. Amit Shah, conspicuously silent? Why are they not breaking their silence, especially when it has come to light that members of your party are involved in the largest scam of land in a place like Ayodhya? Which is seeing the building of a huge Ram temple. From this stage, we expect Mr. Modi to break his silence, but we also urge the Supreme Court, under whose instruction the Ram Mandir Trust was set up, the 15 member Ram Mandir Trust, to take this into cognizance and to act against these people. Because this is a matter of faith, this is about people who donated every little pie that they could for this temple. यू कैनॉट प्ले विथ फेथ यू कैनॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल राम नाम की लूट का मतलब राम के पर्याय की लूट है राम नाम के चंदे की लूट नहीं है वील टेक क्वेश्चन I didn't say I will go to the Supreme Court. I said that the 15 member Ram Temple Trust was set up due to an order of the Supreme Court. And now that it is in public light, now that an official authority, which is the Ayodhya Development Authority, has put out names of people who are involved with this property scam, and there is a huge conflict of interest that multiple members of the Ram Temple Trust have, the Supreme Court should take. ऑफ़ दिस मैटर एंड आई होप दे विल कोई और सवाल इस पर धर्म और आस्था की दुहाई देने वाले लोग जब धर्म और आस्था के साथ इस देश में खिलवाड़ हो रहा है जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर जो चंदा आया उसकी उसकी चोरी हो रही है राम मंदिर के नाम पर मुनाफा खोरी हो रही है और वो आपके लोग कर रहे हैं आपको चुप रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है आपको बोलना पड़ेगा आपको चुप्पी अपनी तोड़नी पड़ेगी आई एम राइट नाउ टेकिंग ओनली दिस बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू इट्स एन इंपॉर्टेंट इशू बिकॉज मल्टीपल पीपल अक्रॉस द लेंथ ऑन ब्रथ ऑफ दिस कंट्री हैव डोनेटेड For the construction of the Ram temple. They hope to see the. They hope to see a uh, Ram temple being erected. But what is happening in Ayodhya is that every BJP member has turned into a land shark, a land mafia. And I think this is a very important issue. We can take it offline. उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने काम पर लगी हुई है उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं जिनको सजा सुनाता है कोर्ट वो फाइल लेकर गायब है उत्तर प्रदेश में भाजपा का गुंडा सरेआम एक महिला से बदतमीजी तो बहुत छोटा शब्द है गुंडागर्दी करता है जिन शब्दों का प्रयोग किया वो हम सार्वजनिक जीवन में बोल नहीं सकते हैं वो फरार है दिखावे के लिए उसके घर के आगे का टिनशेट तोड़ दिया जाता है तो कोई कानून राज की बात उत्तर प्रदेश में ना करे क्योंकि ये तो हम शुरू से कह रहे थे यही है उत्तर प्रदेश के कानून की असलियत मंत्री जी फाइल लेकर गायब है और त्यागी जी जो है वो फरार है उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं मिल नहीं रही है सांसद महोदय कमिश्नर को जो आप शब्द कह रहे हैं वो आप में से काफी लोगों ने ऑलरेडी अपने टीवी चैनल पर दिखा दिया है जब वहां का सांसद ही कह रहा है शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इस प्रदेश में हमारी सरकार है तो विपक्ष के लिए मुझे लगता है बहुत कुछ कहने को बचा नहीं है अगर पुलिस चाह जाए और मैं यह हमेशा से मानती हूं अगर पुलिस चाह जाए तो मंदिर के बाहर की चप्पल चोरी नहीं होती है एक व्यक्ति चार दिन से गायब है और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है किसी ने सच ही कहा है महिलाओं के सम्मान में भाजपा बार बार मैदान में ऐसे ही आती है और इसी पर मैं पूछना चाहती हूं भाजपा के नेताओं में इतना मौन इतनी खामोशी क्यों है क्यों उन महिला नेत्रियों के मुंह में दही जम गई है कोई बात नहीं दही पर जीएसटी लग गई जो माफी मांगो के नारे लगाती थी नरेंद्र मोदी देश से माफी कब मांगेंगे अपने भाजपा सदस्य के लिए हर बार कन्नी काट लेना हर बार यह कह देना कि यह फ्रिंज एलिमेंट से आप बच नहीं सकते हैं वो आपका नेता है आपके लेटर पैड पर उसका कई बार कहीं कहीं एलोकेशन हुआ है अपॉइंटमेंट हुआ है आपके नेताओं के साथ तस्वीरें हैं और इस तरह का झूठ ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा She never does. She never speaks on matters related to women and child development. She gives into theatrics, and which is why I said, why does she not speak on this matter? Thank you.